औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम सदाकत अली योर बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, चैप्टर नंबर 12, लेक्चर नंबर 1, न्यूट्रिशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, इसको हमने एमसीक्यूज के लिए और इसके साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी हमने प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन विच एलिमेंट्स आर टेकन इन एंड यूटिलाइज्ड बाय विच ग्रोथ रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट। यानी कि वो सारे के सारे प्रोसेसेस जिसके तहत हम एलिमेंट्स को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, फिर उनको यूज किया जाता है, फिर उनकी वजह से ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में रिपेयर का प्रोसेस और मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो हो रही है, उस सारे प्रोसेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं न्यूट्रिशन। दूसरी चीज है न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट इज द फूड और एनी सब्सटेंस दैट सप्लाइज द बॉडी विद एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म। वो कोई भी चीज या फूड जो हमारी बॉडी को वो तमाम एलिमेंट प्रोवाइड करती है जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, हम उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट सिलेबस जो है वो तमाम बच्चों के पास होगा भी। हमने इन तमाम चीजों को यहाँ पे डिस्कस करना है। आपके सामने ये स्मार्ट सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में, हमें पता प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट फोटोसिंथेटिक है, प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ हम हट के बात करेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इफ फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मैटर, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हम देखें तो प्लांट ऑटोट्रॉफ है, लेकिन प्लांट क्या है कि समटाइम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स, जो कि रूट्स के जरिए और प्लांट के पार्ट्स के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, विच डाइजेस्ट द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो गले सड़े पत्ते हैं या और डेड बॉडीज हैं उनकी ब्रेक डाउन हो सकती है। मोनोट्रोपा इसकी बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल है। तो ये जो प्लांट है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है फिर ये ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के बाद प्लांट सोलेबल प्रोडक्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह की न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हमें मोनोट्रोपा प्लांट इस तरह की एक एग्जांपल नजर आ रही है। कुछ बैक्टीरिया भी सॉइल में होते हैं जो कि जो प्रोटीन वगैरह है डेड प्लांट्स की एनिमल की उनकी ब्रेक डाउन करते हैं। उनकी ब्रेक डाउन से बैक्टीरिया, हमें पता है कि दो, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, दो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं बैक्टीरिया और फंजाई जो कि डीकम्पोजर के तौर पर जाने जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट अपने रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के जरिए प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल्स, ये बैक्टीरिया करते हैं। मशरूम्स एंड राइजोपस, ये भी ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें पता है स्टूडेंट प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ है, प्लांट्स अमूमन फोटोसिंथेटिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर रहे हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखेंगे पैरासाइट किसे कहते हैं। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड लेता है और उसको जवाब में नुकसान भी पहुंचा सकता है। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो कॉज डिजीज इन देम, हम इसको पैरासाइट कहते हैं। और होस्ट किसे कहते हैं, और वो वाला ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर ये पैरासाइट रहते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। होस्ट आर द ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट फीड। तो पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या है, ये फंगस है, इसकी एग्जाम्पल है जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि डिस्ट्रॉय करता है वीट प्लांट को। और ये जो है
इसके साथ साथ डोडर इज अ लीफ लेस प्लांट पैरासाइट दैट फीड ऑन द क्वीनिंग यानी कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट्स वगैरह हैं उनके ऊपर ये अपनी लाइफ गुजारता है। डोडर को कस्कुटा भी कहते हैं, इसको उर्दू में हम आकाश बेल भी कहते हैं। ये येलो कलर की होती है, ये लीफ लेट है और ये जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करती है उस प्लांट से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फूड को एब्जॉर्ब करता रहता है। ये कस्कुटा रिफ्लेक्सा प्लांट डोडर भी इसको कहते हैं, आकाश बेल भी कहते हैं और यहाँ तक कि ये इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है कि सम टाइम ये जिन प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो कर रहा है पैरासाइट के तौर पर उनकी डेथ काज भी कर देता है, उसकी डेथ का सबब भी बनता है। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मैं लास्ट टाइम भी आपको बता चुका हूँ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसे कहते हैं, अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, ये दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप है जिसमें हम अभी बात नहीं कर रहे कि किसको फायदा हो रहा है या किसको फायदा नहीं हो रहा। सिम्बायोसिस मेन हेडिंग है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे म्यूचुअलिज्म, जैसे कोमेंसलिज्म, जैसे एमेंसलिज्म। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन क्या है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, वो डिफरेंट स्पीशीज के हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल लाइकन है जो कि हम चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ चुके हैं। लाइकन एसोसिएशन क्या है, इसमें फंजाई एंड एल्जी मिलकर रह रहे हैं और ये एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। एल्जी हमें पता है फोटोसिंथेटिक है और ये फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड भी प्रिपेयर करते हैं और लाइकन में फंगस जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसको एल्जी को इन हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से। अमूमन लाइकन उस जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे इनमें से कोई भी अकेला ग्रो नहीं कर सकता, ना फंगस ना एल्जी। क्यों, फंगस को फूड अकेले नहीं मिलता, पहाड़ों की चट्टानों पर फंगस को वहां पे फूड नहीं मिल सकती, एलजी वहां पे चट्टानों का अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हार्श इन्वायरमेंट टॉलरेट नहीं कर सकता। तो दोनों मिलके रह रहे हैं, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन एसोसिएशन। तो यहाँ पे एलजी जो है यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफ के तौर पे यहाँ पे यूज हो रहा है। माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोमीन फंगस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, माइकोमीन फंगस, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी और राइजी का लफ्ज राइजाइट से दिया गया है, यहाँ पे राइजाइट से मिलाद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स है। तो ये फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में जो एसोसिएशन है इसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। इसमें प्लांट क्या करता है, प्लांट फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। तो ये हम इसके बारे में माइकोराइजल एसोसिएशन के बारे में चैप्टर नंबर एट में हम डिटेल के साथ डिस्कस भी कर चुके हैं। हाइफी क्या करते हैं, मिनरल इकट्ठी करते हैं प्लांट्स के लिए, केमिकल जो कि प्लांट खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता ये प्लांट को इकट्ठे करके देते हैं। तो इससे प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, प्लांट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रही है, प्लांट की ग्रोथ की वजह से एब्जॉर्प्शन की वजह से प्लांट को वो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो कि प्लांट की रूट्स खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर रही, जवाब में फंगस को प्रीपेयर्ड फूड मिल रही है। लेकिन लिग्यूमिनस प्लांट, वो वाले प्लांट जो फली वाले पौधे हैं जिनमें लेग्यूम फॉर्मेशन होती है, जिनमें पॉड फॉर्मेशन होती है, पॉड का मतलब फली होते हैं, इन प्लांट्स को हम लेग्यूम प्लांट्स कहते हैं। इन लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स के ऊपर राउंड राउंड से स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं, जिनको ये देखिए आपके सामने राउंड राउंड से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स के अंदर असल में बैक्टीरिया रह रहे हैं, बैक्टीरिया को यहाँ पे शेल्टर मिल रहा है, बैक्टीरिया को यहाँ पे रहने के लिए घर मिल रहा है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे रहते हुए बैक्टीरिया को घर मिल गया, बैक्टीरिया को शेल्टर मिल गई, बैक्टीरिया कर क्या रहे हैं, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। मसलन N2 नाइट्रोजन हमें पता है 78% इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी को, हमारी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको नाइट्रोजन की अशद जरूरत होती है। मसलन नाइट्रोजन प्रोटीन में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को जो 78% है इसको यूज नहीं कर सकता। अब ये जो बैक्टीरिया है ये इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइड की फॉर्म में लेके आते हैं, इन नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है कि बैक्टीरिया को शेल्टर मिल रहा है, जवाब में बैक्टीरिया प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइड। तो लेग्यूमिनस प्लांट हैव नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स, यानी कि फली वाले पौधे जिनमें फलियां बनती हैं
जिनमें पॉड फॉर्मेशन होती है विच कॉन्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. बैक्टीरिया लिव ऑन द प्लांट्स मटीरियल एंड फिक्स नाइट्रोजन कन्वर्टिंग इन टू नाइट्रेट विच प्लांट यूज. ये आपके सामने एग्जाम्पल है. तो ये थी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हमें प्लांट्स के अंदर नजर आती है. तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ. नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़.